और किस तरह के नजारा, क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है। अवनीश संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं राम की पैड़ी से। अवनीश, राम की पैड़ी का अगर जिक्र किया जाए तो आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से कवायद भी चलती हुई नजर आती, क्या तस्वीरें, एक बार पहले सबसे पहले तस्वीरें साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर दीपोत्सव की बात करें तो दीपोत्सव का मतलब राम कथा पार्क और उसके बाद राम की पैड़ी। राम की पैड़ी पे ही भव्य आयोजन होता है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं यहाँ की तैयारियों की। यहाँ जो दिए हैं वो लगा दिए गए हैं, पूरे 51 घाट हैं जहाँ पर 24 लाख दिए लगाए गए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज शाम को बनेंगे और यहाँ पर करीब 12 बजे का वक्त होगा जब सभी वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे और यहाँ पर जो दिए हैं वहाँ पर यहाँ पर तेल डाला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बाती रखी जाएगी। और इस बार दिए में भी एक खास बात रखी गई है कि जो दिए की चौड़ाई है उसको बढ़ाया गया है ताकि जो घाट पे है वो तेल न गिरने पाए, क्योंकि पिछले साल देखने को मिला था कि तेल गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ था। ऐसे में तेल न गिर पाए उसको 30 ml ही तेल डाला जाएगा और यहाँ पे जो बाती बनेगी उस पर सबसे आगे कपूर लगेगा और वहाँ से ताकि लौ उसकी बेहतर तरीके से जल पाए। उसके बाद एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे घाट पे जो है रंगोली भी बनाई गई है और श्री राम मंदिर की एक जो आकृति है वो दिया गया है दियों के जरिए। उसके बाद यहां पर प्रोजेक्टर लगाया गया है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को दीपोत्सव के कार्यक्रम में मौजूद होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगी, तब ये यहां पे पर्दा लगेगा और इस प्रोजेक्टर पे रामायण की जो पूरी कथा है उसको दिखाया जाएगा। यहां पे ग्रीन पटाखे दगाए जाएंगे, लेजर लाइट शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मंच भी बनकर तैयार हो गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, राज्यपाल होंगे और तमाम जो अतिथि होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे और उनके लिए जो तैयारी है उसको अंतिम दे दिया गया है। और लोगों के आने का सिलसिला अब यहाँ पर शुरू हो गया, तमाम जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कथावाचक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर दीपोत्सव का क्या महत्व है। महाराज, दीपोत्सव का क्या महत्व है, अयोध्या का दीपोत्सव खास हो जाता है? जी, दीपोत्सव का ये अनादिकाल से जुड़ा हुआ एक रिश्ता है और त्रेता युग के समय से ही जुड़ा हुआ है। दीपोत्सव का आनंद जो हम लोग मना रहे हैं, पुरानी परंपरा, क्योंकि सनातन हमारा धर्म है इसलिए सनातन अनादिकाल की परंपरा है और इसलिए त्रेता युग के समय से ही दीपोत्सव अयोध्या में जो प्रारंभ हुआ भगवान राम के समय में वो आज तक मनाया जा रहा है। और आज दिव्य एवं भव्य जो हम लोग देख रहे हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में, इस तरह सौभाग्य भगवान राम के ही करने से, जब भगवान राम श्री राम जब भगवान राम युवराज होने का समय आया अयोध्या में, विवाह के बाद युवराज पद देने के लिए महाराज दशरथ ने उद्घोष कर दिया, उसके बाद में कारणवश अयोध्या वासियों को 14 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। उस 14 वर्ष के इंतजार के बाद जब भगवान राम पुनः वनवास की अवधि बिता करके अयोध्या आए वापस लौट करके, तब समस्त अयोध्यावासी हर्षित होकर के और इतना हर्षित हुए कि उसी तरह त्रेता युग की दिव्य एवं भव्य दीपावली मनाने के लिए दीपों से सारी अयोध्या को सजाया गया दुल्हन की तरह और दिव्य एवं भव्य दीपोत्सव मनाया। अयोध्या वासियों का एक ही उद्घोष है, भगवान राम वो कहते हैं कि मुझे बैकुंठ का स्वर्ग का कोई सुख नहीं चाहिए लेकिन मुझे कौशल्या कुमार मेरा राम चाहिए। इसलिए कहते हैं स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। एक बार किसी भांति राघो को निहारो, चरणों में उनके तुम सर्वस्व वारो, अर्थ चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। तो ये दीप उत्सव का रिश्ता हम लोगों का त्रेता युग के समय का है, भगवान राम का जब पुनः वनवास की अवधि बिता करके आए तब हम इन लोगों ने सनातनियों ने मनाया और तब से ये परंपरा चली आ रही। आप हर साल दीपोत्सव देखते हो, कितना भव्य होता है जब जैसे जैसे शाम ढलेगी और नज़ारा खिलेगा? जी, हर साल जैसे जैसे हर वर्ष बीता, मैं तो कई वर्षों से देख रहा हूँ जब से योगी जी आए हैं तब से दिव्य एवं भव्य मनाया जा रहा है, लेकिन हर साल उत्कर्ष ही दिव्य होता है और उत्कृष्ट माने अलग अलग वर्ष में अलग अलग दिव्यता दिखाई पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात त्रेता युग ही आ गया है और हनुमान और अंगद और भीम और सुग्रीव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई तरह की तस्वीर निरंतर सामने आ रही है और जो उत्साह है वो किस तरह से देखने को मिल पा रहा है वो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन अवनीश, राम की पैड़ी में एक जो 51 घाट है वहां पर एक अलग रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है, लगातार जानकारी आप भी साझा करें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान पहुंचेंगे। ऐसे में एक बार ये भी बातचीत कीजिए और ये भी पूछिए कि हर साल की तरह इस बार का जो दीपोत्सव का ये कार्यक्रम है ये कितना अलग होने जा रहा है, क्योंकि देखिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है, राम मंदिर जल्द ही यानी कि 22 जनवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। ऐसे में ये इस बार का दीपोत्सव भी कहीं ना कहीं बेहद खास हो जाता है।
जी बिल्कुल साफ है कि इस बार जो दीपोत्सव है वो बेहद ही खास है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और तमाम जो पूरी देश दुनिया की नज़र है वो अयोध्या पर रहेगी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता दिखा दी, कैबिनेट की बैठक की थी, कैबिनेट की बैठक में अयोध्या को तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया। उसके बाद तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, तमाम जो धार्मिक शहर हैं, उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाए उसको लेकर तमाम जो प्रस्ताव आए थे उसको पास किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दीपोत्सव का भी जिक्र किया था, उन्होंने दिवाली की बधाई दी और सभी से अपील की थी कि दीपोत्सव जरूर देखें, अयोध्या का दीपोत्सव जिसको पूरी दुनिया देखती है। तो हमारे साथ महाराज हैं, उनसे ही बात करते हैं कि हर साल दीपोत्सव होता है लेकिन इस साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अपनी जगह पे विराजमान होंगे रामलला, कितना भव्य नज़ारा होगा और दीपोत्सव और कितना खास हो जाता है इस साल? भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, जैसे भगवान राम, मैंने बताया कि राम जी का युवराज पद होने जा रहा था और राम जी, सारे अयोध्यावासी हर्षित हो गए, बाजे भी बज गए अयोध्या में। लेकिन सुबह पता चला मंथरा की कुत्सित बुद्धि के द्वारा, कैकेयी की बुद्धि दूषित करा दी गई, जिसके द्वारा भगवान राम को सुबह पता चला, अयोध्यावासियों को पता चला कि अब तो राम जी वनवास जा रहे हैं जहाँ पर युवराज पद होना था। तो जिस तरह भगवान राम के जीवन में, अपने मानव जीवन में भगवान राम को संघर्ष करना पड़ा, कहाँ राजा बनने जा रहे थे, शाम को बाजे बज गए, सुबह पता चला आपको वन जंगल में जाना है, लेकिन राजपद मिल रहा था तब भी राम जी ना हर्षित थे और ना दुखी थे, और जब वनवास मिल गया तब भी एक स्थिति में, दोनों समान स्थिति में थे। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से राम जी को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा 14 वर्षों का, उसी प्रकार से भगवान आज कलयुग में भी पाखंडियों के द्वारा, पापियों के द्वारा भगवान राम के मंदिर में भी हम लोगों को संघर्ष पर करना पड़ा, भक्तों को, और राम मंदिर को भी संघर्ष करना पड़ा। कई सदियों के बाद ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान राम के मंदिर के दिव्यौंभव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ये हम सबका परम सौभाग्य है। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया है, हमारे पूर्वजों ने कई सदियाँ बीत गई इंतजार करते करते, तब आज जा करके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये हम लोगों का परम सौभाग्य है, समस्त अयोध्या वासियों का, समस्त सनातनियों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को ये राम राज्य का नींव रखा जा रहा है। जिस दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन से पुनः एक हम लोग राम राज्य की परिकल्पना करेंगे और राम राज्य जैसा सब हम चाहते हैं कि सारे सनातन में ये राम राज्य की कामना फैले। तो साफ है कि राम राज्य की परिकल्पना है और 22 जनवरी का सबको इंतजार है, खासतौर पर अयोध्या वासियों को जिन्होंने संघर्ष किया है, तो इसी को लेकर जो है पूरे इंतजार है वो अब खत्म होगा। लेकिन दीपोत्सव पर अब सबकी नज़र है, जैसे जैसे शाम ढलेगी दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम रूप में ले लेंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पर दीपोत्सव का जो कार्यक्रम बनाने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी उसकी वानगी आज रात को देखने को मिलेगी और इस खास कार्यक्रम पे हर किसी की नजर टिकी हुई है। अवनीश बने रहिए, आप हमारे पास लौटेंगे। वासुदेव यादव भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासुदेव, देखिए राम की पैड़ी से क्या नजारा है, क्या तस्वीर है, वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जब अयोध्या का जिक्र होता है और अयोध्या पर आज हर किसी की नजर टिकी हुई है, तो अयोध्या में कैसे साज सज्जा की जा रही है? जी बिल्कुल, बता दें आज पूरी अयोध्या राममय हो गई है, हर कोई हर्षित है, प्रफुल्लित है, क्योंकि अयोध्या में आज विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जा रहा है। एक साथ 24 लाख दीपक यहां पे जलाए जाएंगे। बता दें कि साकेत डिग्री कॉलेज से रामरथ यात्रा निकली है, 11 झांकियां हैं, उस पे विविध रामायण के प्रसंगों को उकेरा गया है और झांकियां बहुत ही आकर्षक हैं। बता दें आज अयोध्या में दीपोत्सव के चलते हर कोई हर्षित है, प्रफुल्लित है और इस समय हम सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी परिसर में हैं। हनुमानगढ़ी के नागासंत हमारे साथ हैं, जानने का प्रयास किस तरह हर्षोल्लास दिख रहा है अयोध्या में आज। मैं राष्ट्रीय पहलवान मनोज दास, श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या जी धाम उत्तर प्रदेश से, बाबा प्रेमदास जी महाराज गति नसीन जी के कृपा पात्र। आज यहाँ पे दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हनुमान जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज दीपोत्सव के शुभ अवसर पे 27 लाख दीपक जलाए जाएंगे। 24 लाख नहीं 27 लाख जी जी, कुल मिला के जी टोटल 27 लाख जी जी, और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यहाँ पे दीपोत्सव। आज के दिन राममय नगरी हो गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे पहलवान, क्या कहेंगे आप? मैं जिन्ना पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जी जी, उत्तर प्रदेश केसरी। किस तरह उल्लास दिख रहा है यहाँ लोगों में दीपोत्सव को लेकर? बहुत उत्साह है यहाँ पे और बहुत एक खुशी का माहौल है अयोध्या में। पूरी अयोध्या आज राममय है, हर तरफ दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, जगह जगह झांकियां सजाई गई है, हनुमानगढ़ी से लेकर दया घाट धाम की पैड़ी तक, क्या कहेंगे? तो ये
बाहर के श्रद्धालु हैं अयोध्या के लिए, हरमणि के लिए, हर कोई हर चीज क्योंकि अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लगभग 24 लाख यहाँ पे दीपक के साथ जलाए जा रहे हैं। बता दें कि अयोध्या, पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है और राम राज की जो संकल्पना है वह साकार हो रही है। हर कोई हर्षित है, प्रफुल्लित है क्योंकि भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा और मंदिर से पहले जो दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है बहुत ही भव्य दिव्य हो रहा है। पूरी अयोध्या सजी बिल्कुल वासुदेव साथी आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि देखिए तस्वीरें तो तमाम तरह की लगातार सामने आ रही है और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लंबे समय से जो कवायद थी तैयारियों की वो चलती हुई नजर आ रही थी। राम की पैड़ी में एक अलग नजारा, अयोध्या में भी एक अलग नजारा, लेकिन अयोध्या में जो दीपोत्सव का खास कार्यक्रम है उसके आखिर स्केड्यूल क्या है, किस किस समय क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें अभी कुछ ही समय शेष है कि साकेत डिग्री कॉलेज से 11 झांकियां निकाली जाएंगी और जो झांकियां सूचना विभाग की ओर से सजाई गई हैं रामायण के विविध प्रसंगों पर सजाई गई हैं। और इसके साथ बता दें कि भारत के विविध प्रांतों की जो लोक नृत्य होती हैं, लोक कलाएं होती हैं, वो भी वहां पे प्रस्तुत करेंगे कलाकार। और इसमें उत्तर प्रदेश शासन की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं वो भी झांकियां सजाई गई हैं और साकेत डिग्री कॉलेज से वो झांकियां गाजेबाजी के साथ निकलेंगी और सीधे अयोध्या रामकथा पार्क में जाएगी जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। और इसके बाद सायंकाल यहां पे दीपोत्सव का आयोजन होगा। एक साथ 24 लाख दीपक अयोध्या राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे और यहां के 51 घाटों को सजाया संवारा गया है। साथ ही अयोध्या के जितने भी प्रमुख मंदिर है, चाहे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी हो, चाहे भगवान रामलला का जन्म मंदिर हो, राम जन्मभूमि परिसर हो, या प्रमुख मंदिर हो कनक भवन हो, हर जगह दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। सायंकाल यहां पे एक साथ दीपोत्सव जलाए जाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि विदेश से कलाकार आए हैं, जगह जगह उनका भी मंचन होगा, रामायण का मंचन होगा, अयोध्या का बिरला धर्मशाला हो, चाहे रामकथा पार्क हो, हर जगह धार्मिक आयोजन होने हैं। तो पूरी अयोध्या इस दौरान राममय नजर आ रही है। जिस तरह राम राज की संकल्पना है वह धीरे धीरे साकार हो रहा, हर कोई हर्षित है, प्रफुल्लित है। बाहर से भी लोग आए हैं और यहां पे 25,000 वॉलंटियर लगाए गए हैं जो दीप को बिछा चुके हैं। अब यहाँ पे तेल डालने का भी काम शुरू हो गया है और इंतजार है बस उस समय का जो सायकाल एक साथ 24 लाख दीपक एक साथ जलेंगे तो पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी, हर ओर जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। जी अब बिल्कुल एक बार फिर से अवनीश आपका रुख करना चाहूंगे क्योंकि अवनीश देखिए लगातार जो तस्वीरें आप साझा करते हैं उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी है और अब इंतजार सिर्फ रात का किया जा रहा है जब सूर्य यहां पर ढल जाएगा और जो नजारा है वो एक्चुअल में सामने हर किसी के सामने आ सके क्योंकि दिव्य भव्य बनाने कार्यक्रम तो लगातार लंबे समय से चल ही रहा था। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कौन कौन मौजूद होगा, क्या और भी किसी दिग्गज की मौजूदगी होगी? साथ ही आपसे यह भी जानेंगे कि ठीक है तैयारियां तो चरम पर है, तैयारियों को अपने जामा पहनाने की कोशिश लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन जो उस दौरान लोग पहुंचेंगे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? में सबसे पहले वह रामकथा पार्क जाएंगे। रामकथा पार्क में जो झांकी आएगी उस झांकी को देखेंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और सीता माता जो पहुंचेंगी वह उनका वह राज्य करेंगे, तिलक लगाकर राज्य करेंगे। और साफ तौर पर है कि जब भी यहाँ पर दीपोत्सव होता है, राज तिलक करना होता है, तो वह मुख्यमंत्री लोग भी यहाँ पे चुनाव करते हैं क्योंकि वह विशिष्ट भूमिका में रहते हैं और ऐसे में उनकी भी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगे, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद होंगे, कई ऐसे देश हैं जिसके जो एम्स है वो यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सूचना मिल रही है। तो शाम का नजारा होगा जब वो सभी यहाँ पहुंचेंगे और उनके आने की जो पूरी जो व्यवस्था है वो रखी गई है, जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको खड़े कर दिए गए हैं। करीब 3 लेयर ऐसी है जो सुरक्षा के रखे गए हैं, उस 3 लेयर में परिंदा भी पर न मारता है इसको देखा जा रहा है और जहाँ भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है वहाँ पे पूरी जांच के बाद ही किसी को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ मेटल डिटेक्टर लगाया जा रहा है, वहाँ से मेटल डिटेक्टर कई लोगों को गुजरना हो रहा है, यानी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके बाद जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके मिलने विशेष इंतजाम किए गए हैं, लोग जहाँ होंगे वहाँ से भव्य जो नजारा है वो देख सकते हैं। और रामकथा पार्क में जब रात तिलक हो जाएगा इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम जो अतिथि होंगे वो सीधे राम की पैड़ी पहुंचेंगे। राम की पैड़ी पहुंचने के बाद वो यहाँ पर भव्य दीपोत्सव का नजारा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्टर के जरिए भगवान राम की जो तस्वीर है वो दिखाई जाएगी, जो वो दिखाई बिल्कुल। और इंतजार अब दिलकश नजारे का है कि कब दिव्य भव्य उत्तर तस्वीरें सामने आएंगी जो कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी। तमाम जानकारी आप दोनों संवाददाताओं ने साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।